राजस्थान के मंदिरों में अब गैर ब्राह्मणों को सरकारी एंट्री मिली है। सीएम अशोक गहलोत की सरकार ने इसके लिए एक विधिवत विभाग भी बना दिया है, जिसका नाम दिया गया है देवस्थान विभाग। राज्य के देवस्थान विभाग ने 22 पुजारियों के नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं, इनमें 8 महिला पुजारी भी शामिल है। अब इस नए फरमान के बाद से देवस्थान विभाग के मंदिरों में न सिर्फ ब्राह्मण बल्कि एसटी एससी और ओबीसी पुजारी भी सेवा पूजा करेंगे। जानकारों की माने तो गहलोत सरकार से पहले तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने भी ये फैसला अपने राज्य में लागू किया है। अभी गहलोत सरकार ने देवस्थान विभाग के तहत जयपुर के मंदिरों में गैर पंडितों की नियुक्ति दी है। इसके लिए सरकार ने राजधानी के मंदिरों में 22 पुजारियों को नियुक्त किया है। नियुक्त किए गए सभी पुजारी वेल क्वालिफाई हैं। आनंद कृष्ण बिहारी मंदिर हो या फिर कल्की मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर हो या लक्ष्मी नारायण मंदिर, ऐसे 22 मंदिरों में अब नए पुजारी सेवा और पूजा करेंगे। आपको बता दें कि देवस्थान विभाग की ओर से साल 2014 में पुजारी भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इसका रिजल्ट 9 साल बाद सितंबर 2022 में जारी हुआ। इसके बाद अप्रैल 2023 में पुजारियों को नियुक्ति पत्र भेजा गया। अब सरकार इनको मंदिर में पूजा पाठ कराने का प्रशिक्षण दे रही है। जो 8 महिला पुजारी शामिल है, इस सूची में शामिल पुजारी 4 एसटी एससी वर्ग से हैं, जबकि 2 ओबीसी और बाकी सामान्य वर्ग के हैं। इन सभी के पास शैक्षणिक योग्यता में बीए, बीएड, एमएड, पीएचडी की डिग्री है और इनमें से कुछ राष्ट्रीय स्तर की सेमिनार में भी भाग ले चुके हैं। नियुक्ति के साथ ही अब इन पुजारियों को करीब 13,000 रुपये मानदेय मिलेगा। 2014 फरवरी में बीजेपी शासन में 65 पदों के लिए भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसका परिणाम बीते साल निकाला गया। अब संभाग मुख्यालय पर 7 मैनेजर, 47 पुजारी और 11 सेवागीर को नियुक्त किया जा रहा है। मादा राम मेघवाल मंदिर श्री आनंद कृष्ण बिहारी चांदनी चौक जयपुर में नियुक्त होंगे। अब ये सारी जो कार्रवाई है या 9 साल बाद जो पुजारियों की भर्ती की जा रही है, ये अगले साल होने वाले चुनाव से पहले धार्मिक ध्रुवीकरण का एक सिलसिला है और धार्मिक ध्रुवीकरण से आप इसको जोड़कर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए बाकी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिक्स।